सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एमएसएच में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आईटीआई एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स लेके हैं। ठीक है, तो आज का जो अपडेट है वो आईटीआई के एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट है। अपडेट ये आ रहा है कि जितने भी सप्लीमेंट्री कैंडिडेट है, जो फेल कैंडिडेट है, जो आईटी के एग्ज़ाम में फेल हो चुके थे, ये एग्ज़ाम का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का हॉल टिकट के लिए फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एनसीबीटी एमआईएस gov.in का वेबसाइट दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलेगा। या जैसे आप रेड कलर में देख पा रहे हैं, सप्लीमेंट्री पेमेंट एग्जामिनेशन लिंक इज़ ओपन फॉर सेमेस्टर पैटर्न। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन लिंक इज़ ओपन फॉर सेमेस्टर, ये सेमेस्टर भी है और एनुअल दोनों के लिए है। जो लोगों का बैक ईयर का जो कैंडिडेट थे, चाहे 18-20 के, चाहे 19 के, चाहे 20 के, इन लोगों का जो सप्ली था वो लोग सप्ली के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जिन लोगों का भी सप्ली होगा वो अपने कॉलेज से संपर्क करें, अपने आईटी इंस्टीट्यूट से संपर्क करें। तो जिसका एक नोटिस भी दिया हुआ है, डीजीटी की तरफ से ये नोटिस इशू किया गया है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन AITT 2022 पर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ MSD डीजीटी के द्वारा इशू किया गया 17 अक्टूबर को। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट भी देख पा रहे हैं आप, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट सप्लीमेंट्री नवंबर CBT नवंबर 2022 का में जो CBT एग्ज़ाम होंगे सप्लीमेंट्री कैंडिडेट का, मीन फेल कैंडिडेट का, जो एनुअल सिस्टम के भी होंगे और सेमेस्टर सिस्टम के भी होंगे, ओके, उनके लिए ये नोटिस दिया गया। तो सप्लीमेंट्री के लिए जो एलिजिबल है वो कौन कौन से बैच से होंगे, 18-19 के बैच, चाहे एक साल के हो, चाहे आपके 2 साल के हो, चाहे 6 महीने के कोर्स के हो, 18-20, 19-21, 20-22, 21-23, और सेमेस्टर में 2014 से लेकर 70 तक जितने भी सेमेस्टर के थे वो लोग भी इस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको अगर आपका ऐसा कुछ सप्लीमेंट्री आया है किसी कैंडिडेट का, फेल आया है किसी पेपर में, किसी पेपर में जैसे 4 पेपर है तो 4 पेपर में से 1 पेपर में बैक है, तो इसके लिए आप कॉलेज से संपर्क करें। तो ये बैच के तो ट्रेनी टाइप के और इसमें सप्लीमेंट्री ओनली फेल कैंडिडेट का ही एग्ज़ाम होगा नवंबर 2022 में, जो 25 नवंबर से स्टार्ट होगा आपका। यहाँ पे आप डेट भी देख पाओगे, शेड्यूल भी दिया हुआ है कि कौन कौन से कब कब एलिजिबल हो सकते हैं आप। इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए आपको अप्लाई करना होगा, एक एग्ज़ाम फीस आपको पे करना होगा, उसके लिए आपको अपने इंस्टीट्यूट से संपर्क करेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम फी है CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम का एग्ज़ाम फी, जो आपका पेमेंट जो होगा ये 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक चलेगा। एक बार CBT हॉल टिकट आपका कब इशू होगा, 20 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर को, और 25 नवंबर का जो CBT इसका एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा, 25 नवंबर 2022 से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा जो कैंडिडेट फेल कर चुके हैं। इस नोटिस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। और आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।